दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों केसर और काली किशमिश का पानी को सबसे पुराने घरेलू नुस्खों में से एक है। जी हाँ, पहले दादी नानी इस नुस्खे को शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए बताया करती थी और ये नुस्खा भी कारगर है। जी हाँ, काली किशमिश जिसे मुनक्का भी कहते हैं, आयरन से भरपूर होता है और शरीर में रेड सेल्स बढ़ाने में मददगार हैं, जबकि केसर में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि मूड बूस्टर होने के साथ शरीर में स्ट्रेस लेवल को कम करने वाला भी है। आइए जानते हैं केसर और काली किशमिश का पानी पीने के फायदों के बारे में। नंबर एक, महिलाओं में कमजोरी दूर करता है। महिलाओं में अक्सर कमजोरी होती है, खासकर की खून की कमी के कारण। साथ ही महिलाओं को एनीमिया की समस्या भी होती है, जिसमें कि ये काफ़ी फायदेमंद हैं। जी हाँ, दरअसल महिलाएं ये कमजोरी और चक्कर आना आयरन की कमी के कारण हो सकती हैं। ऐसे में इस पानी का सेवन शरीर की इस कमजोरी को दूर करता है, रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ावा देता है, साथ ही पीरियड्स के दौरान दर्द और क्रेम्पस में भी इसे पीना फायदेमंद होता है। नंबर दो, पुरुषों में स्टेमिना बढ़ाता है। पुरुषों में स्टेमिना बढ़ाने के लिए केसर और काली किशमिश का पानी फायदेमंद होता है। दरअसल ये आपकी नसों को एक्टिवेट करता है और शरीर की एनर्जी बढ़ाता है, साथ ही ये स्टेमिना बूस्ट करता है, जिससे एक्सरसाइज के साथ पुरुषों की शरीर की कमजोरी भी दूर होती है, तो पुरुष भी चाहे तो इस पानी को पी सकते हैं। नंबर तीन, फर्टिलिटी बढ़ाता है। फर्टिलिटी बढ़ाने में केसर और काली किशमिश का पानी फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, ये शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है और फर्टिलिटी बढ़ाने में मददगार है। जी हाँ, ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती हैं और फर्टिलिटी बढ़ाने में मददगार हैं। साथ ही ये महिलाओं में यूट्रेस के हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं। नंबर चार, मूड बूस्टर हैं। केसर और काली किशमिश का पानी मूड बूस्टर की तरह काम करता है। ये आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है और फिर स्ट्रेस फ्री होने में मदद करता है। इस तरह से मूड फ्रेश करता है और शरीर की कई समस्याओं को दूर करता है। इस तरह ये शरीर के लिए कई समस्याओं में फायदेमंद है। दोस्तों आइए जानते हैं केसर और काली किशमिश का पानी पीने का सही तरीके के बारे में। दोस्तों केसर और काली किशमिश का पानी शरीर के लिए कई प्रकार से पी सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीका यह है कि आप इसे सुबह खाली पेट पिएं। इसके लिए काली किशमिश और केसर को रात को पानी में भिगो कर रख दें, सुबह इस पानी को छान कर पिएं। साथ ही आप इन दोनों चीज़ों को उबाल कर और इस पानी को छान कर भी पी सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।